स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान माह का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय से प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई के प्रमुख हाट बाजारों, मॉल, स्कूल एवं कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए नागरिकों को जागरूक करेंगे। उल्लेखनीय है कि रक्तदान को बढ़ावा देने हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग थीम पर मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रक्तदान माह का शुभारंभ करते हुए कहा कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अक्टूबर माह को रक्तदान माह के रूप में मनाने तथा इस महीने अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 9 ब्लड बैंक थे, जो अब बढ़कर 95 हो गए हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 31 शासकीय ब्लड बैंक संचालित है। नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी इस वर्ष शासकीय ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य की आबादी के अनुसार हर वर्ष यहां 2,55,000 यूनिट रक्त की जरूरत होगी। इसके विरुद्ध करीब 2,00,000 यूनिट की प्रतिपूर्ति हो रही है। ब्लड बैंक में रक्त का संकलन हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। रक्तदान माह के शुभारंभ कार्यक्रम में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह परियोजना संचालक नीरज बंसोड़, अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉक्टर एस के बिंजवाड़ तथा IEC के संयुक्त संचालक अजय कुमार सिंह सहित छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन सार्वजनिक स्थलों पे जाके रक्तदान के लिए अनुरोध करेंगे और तत्कालिक मौके पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको अस्पताल जाना, समय निकाल के जाना, ये सबसे बच सकेंगे। और आवश्यकता इसकी महसूस इसलिए भी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर 2,55,000 यूनिट खून के पाउच के आवश्यक होते हैं एक साल में, तो अभी निजी और सरकारी क्षेत्र में मिला के हम 2,00,000 यूनिट ही एकत्रित कर पाए हैं। हो सकता है कोरोना काल में कुछ कमी आई हो, लेकिन और कम से कम 55,000 यूनिट रक्तदान के माध्यम से ये आवश्यक हैं छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए जब उनको खून की आवश्यकता होती है। तो ये एक महत्वाकांक्षी पहल चालू की गई है। साथ में एक टारगेट रखा गया है कि वर्तमान में जो हमारे 95 ब्लड बैंक हैं 28 जिलों में छत्तीसगढ़ में, इनको और आगे बढ़ा के हर CHC में, करीब 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के, तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले के ब्लड बैंक की दूरी को जरूर ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यथासंभव हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक खोला जाएगा। और इस व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए आज जो पहल प्रारंभ हुई है, ये रथ फिलहाल 3 जिलों में जाके उनके सार्वजनिक स्थलों में, कॉलेजेस में, बाजारों में, ऐसे सार्वजनिक स्थलों में जाके लोगों से सहयोग मांगेगा। सर, ये आज ये सुखसारी के विधायक जो है वो दिल्ली से लौट रहे हैं और हाईकमान से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या इसको किस तरीके से? मेरे ख्याल से विधायकों ने तो पहले ही कहा था कि हाईकमान से नहीं, एक तो सैलानी के रूप में या घूमने गए हैं, और अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो हो। पुनिया जी से मिलने की बात आई थी, वो UP में चुनाव की तैयारी में अभी लिप्त होंगे, तो हो सकता है कि मुलाकात ना हो पाई हो, और सब साथ ही वापिस आए हैं। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल।